गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेसिकली व्हाट कैन यू सी हियर, अ टर्टोइस एंड अ रैबिट। आप लोगों ने पढ़ा भी है स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वन डे अ रैबिट वॉज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। एक दिन की बात है, बहुत सारे एनिमल थे, जब टर्टोइस भी था उनमें और रैबिट भी था, और रैबिट कितना फास्ट वो रन करता है, कितना फास्ट वो दौड़ता है, वो अपने बारे में बूस्ट कर रहा था सबको। और वो ये रैबिट टर्टोइस के ऊपर लाफ कर रहा था कि वो कितना स्लो है। मच टू द रैबिट सरप्राइज, द टर्टोइस चैलेंज्ड हिम फॉर अ रेस। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, ही इज चैलेंज्ड फॉर रेस टू रैबिट। The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. ये उस चैलेंज को accept करता है and he thought about the challenge as a joke. As the race began, the rabbit raced away ahead of the tortoise just like everyone thought. जैसे रेस स्टार्ट हुआ, सब एनिमल्स जैसे सोच रहे थे कि रैबिट टर्टोइस से आगे चला जाएगा, और रैबिट ने भी वही सोचा था। एंड दिस ऑल्सो हैपेंड, रैबिट बहुत फास्ट दौड़ता था इसलिए वो बहुत आगे जा चुका था। द रैबिट गो टू द हाफ वे पॉइंट एंड कुड नॉट एबल टू सी द टर्टोइस एनीवेयर। रैबिट हाफ वे ये रेस का हाफ पॉइंट तक पहुंच चुका था, लेकिन ये टर्टोइस को कहीं नहीं देख पा रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टेक अ शॉर्ट नैप। रैबिट बहुत थक चुका था एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट नैप, कुछ देर आराम करने के लिए वो सोच रहा था। इवन इफ द टर्टोइस पास्ड हिम, ही वुड बी एबल टू फिनिश द रेस अहेड ऑफ हिम। और ये क्या सोचा कि टर्टोइस जब यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद भी अगर मैं उठता हूँ तो मैं इससे फास्ट दौड़ता हूँ, इसलिए मैं रेस कंप्लीट कर पाऊंगा। बट द टर्टोइस नेवर क्विट, नो मैटर हाउ टायर्ड ही गॉट। ये बहुत डिटरमाइंड था, ये अपने फाइन रेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, और ये धीरे 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 ये चलता गया। आफ्टर वाइल व्हेन रैबिट वोक अप, ही कुड नॉट सी द टर्टोइस एनीवेयर। जब रैबिट उठता है वो चारों तरफ देखता है, बट उसे टर्टोइस कहीं नहीं दिखता है। ही वेंट एट फुल स्पीड टू द फिनिश लाइन, बट ही फाउंड दैट द टर्टोइस वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम। ये फुल स्पीड से दौड़ता है फिनिश लाइन की तरफ, लेकिन वो क्या देखता है कि ये टर्टोइस फिनिश लाइन पे ऑलरेडी उसका वेट कर रहा है। सो वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड फोकस ऑन आर वर्क विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन। हम लोगों को अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन के साथ, बिकॉज यू कैन सी हियर Tortoise won the race in spite of being slow. Why? Because he was very determined towards his work. Whereas rabbit har chuka tha because he was not determined. Let's see one more example, student. Students, जब आप क्लास में पढ़ते हो या आप अपने घर में पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ अट्रैक्ट करती होगी। आप सोचते होगे जो आपके क्लास में फर्स्ट आते हैं वो आपसे डिफरेंट कैसे हैं, वो आपसे अलग कैसे हैं। लेट मी टेल यू, दे आर डिफरेंट। वो लोग डिफरेंट है क्यों, वाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज जब वो पढ़ाई करते रहते हैं तो उन्हें भी मोबाइल्स, फ्रेंड्स, टीवी सब उन्हें भी अट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बट वो सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में फोकस करते हैं, बिकॉज उन लोगों को कंप्लीट करना रहता है अपना टास्क। वो लोग अपने वर्क के प्रति बहुत फोकस्ड होते हैं, विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत डिटरमाइंड होते हैं। इसी कारण दिस इज ओनली द रीजन वाई वो लोग फर्स्ट आते हैं। सो वी शुड फोकस ऑन आर गोल्स, वी शुड फोकस ऑन आर स्ट्रेंथ। दिस इज ओनली द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम लोगों को अपने वर्क पे फोकस होना चाहिए विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन। इज बीइंग फोकस्ड सो इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। बीइंग फोकस्ड ऑन वन थिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड विच अलाउज यू टू डू अ बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क
मतलब बींग फोकस से क्या हो पाएगा, आप वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे. मोर वर्क गेट्स डन क्विकर, वर्क आप अपना जल्दी कर पाओगे. एंड योर क्रिएटिव आइडियाज फ्लो इजियर, और आप अपने वर्क पे बहुत क्रिएटिवनेस लाओगे, बहुत क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हो. बींग फोकस्ड इज द की टू सक्सेस, अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो. So students, I have taught you what is being focused means and why is it important to be focused. You what you have to do, you have to read this page number 25, page number 26 and page number 27 till here. In the next video I'll continue this. On the basis of page number 25 and 26 I have written some difficult words for you. You all have to write these words in your moral science copy in very neat and clean handwriting. आप लोग देख लो कितना साफ से लिखा हुआ है. आप लोगों को भी ऐसी ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड नीट हैंड राइटिंग में लिखना है. लेट्स सी वन बाई वन. फर्स्ट इज फोकस्ड, ध्यान लगाना बोलते हैं ना, यू शुड बी फोकस्ड. सेकेंड इज डिटरमाइंड, जिसका मतलब होता है कि निर्धारित, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग. थर्ड इज अटेंशन, मतलब ध्यान. फोर्थ वर्ड इज कंसंट्रेटिंग, विच मीन्स टू बी फोकस. फिफ्थ इज ऑब्स्टेकल, जिसको बोलते हैं डिफिकल्टीज, बाधाएं. सिक्स्थ वर्ड इज अकम्प्लिश, जिसका मतलब होता है पूरा करना या अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली. कोई भी वर्क को अकम्प्लिश करना चाहिए हमें. सेवेंथ इज डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग टू हैव समथिंग, कि मुझे वो चाहिए, वो होता है डिजायर. एट इज विल पावर, मीनिंग द एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब आपके अंदर का पावर, इच्छा शक्ति. नाइन्थ इज एक्साइटमेंट, बहुत इट्स एक्साइटमेंट होता है जब आप लोगों को न्यू वर्क मिलता है या न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या गेम्स मिलते हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है ना. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटमेंट. एंड द लास्ट वन इज टारगेट, मतलब समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, और उस वो टारगेट है कि आज मेरा टारगेट है कि मुझे आज ये होमवर्क आज पूरा करना है, मीन्स लक्ष्य. सो बेसिकली वॉट इज द होमवर्क, यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड यू हैव टू रीड पेज नंबर 25 एंड 26.